नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू लूज वेट पोस्ट डिलीवरी। साथ में हम बात करेंगे कि पोस्ट डिलीवरी, स्पेशली आफ्टर सीजीरियन एंड आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि आप हेल्दी बने रहें, वेट लॉस भी हो और साथ में आपके बच्चा भी स्वस्थ रहे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट है डॉक्टर वर्षा पटेल जोशी। डॉक्टर वर्षा पटेल जोशी फाउंडर हैप्पी लिविंग न्यूट्रिशन, साथ में कई सालों से डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर वर्षा पटेल जोशी से और बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी हम अपने वेट को कैसे मैनेज करें। मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। मैम, पोस्ट डिलीवरी कई बार ऐसा होता है कि लेडीज अपना वेट लॉस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सभी लेडीज का वेट गेन होता है। तो क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपने वेट को मैनेज कर सके पोस्ट डिलीवरी? देखिए, पोस्ट डिलीवरी भी हम लोगों को बहुत जल्दी रहती है कि वेट लॉस करना चाहिए। अभी बच्चा तो हेल्दी पैदा हो गया है, तो हमें वेट लॉस के लिए एवरीबडी इज वेरी इन के अभी वेट कम करना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए, जब डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बोले थे दो जन के लिए खाना है, फॉर योर चाइल्ड फॉर योर सेल्फ, और पोस्ट डिलीवरी भी आपको दो जन के लिए खाना है बिकॉज यू आर फीडिंग योर चाइल्ड, तो उस वक्त वेट लॉस को टारगेट नहीं करना चाहिए। रादर ईटिंग अ हेल्दी डाइट जो आपका वेट मेंटेन करेगा वो करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके, बिकॉज यू चाइल्ड गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम मदर्स मिल्क ओनली एट दैट टाइम। तो वेट लॉस को टारगेट कर, वेट लॉस करना है, मैं ये खाना बंद कर दूँ, तो वो आपको आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बॉडी में न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट होने लगेंगे, प्रोटीन्स विटामिन्स, तो आगे जाके आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, अनिमिया हो सकता है, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल, बट यू शुड ईट राइट सो यू शुड नॉट गेन मोर वेट। स्पेशली आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी एंड ऑल्सो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? पोस्ट डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी भी थोड़ा ब्लड लॉस होता है, प्लस फिजिकल एग्जर्शन भी बहुत होता है, और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, और पोस्ट सी सेक्शन तो ब्लड लॉस होता ही है, और वो जो ऑपरेट किया है तो उसको हील होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, तो उसके लिए डेफिनेटली फॉर द रिपेयर एंड हीलिंग वी नीड टू डेफिनेटली फोकस ऑन मोर ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड फूड। तो बहुत सारे जिसमें मिनरल्स ज़्यादा अवेलेबल है जो हीलिंग में हेल्प करेगा, प्रोटीन्स है, वो सब खाना जरूरी है। अगेन, ब्लड लॉस की वजह से अनिमिया हो सकता है, तो अगेन आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि ब्लैक डेट्स है, ब्लैक रेजिन्स है, नाचनी है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए डाइट में, ताकि आगे जाके तकलीफ नहीं हो और हीलिंग फास्ट हो। जैसे हम कहते हैं कि मूंग है, चना है, ये सब खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स है। अगर हम राजमा या छोले वगैरह खाएंगे उसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छा अवेलेबल रहता है, लेकिन अगेन वो गैस कर सकता है बिकॉज आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उस टाइम पे, पोस्ट डिलीवरी पोस्ट प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से आपको गैस होगा और अगेन हीलिंग में डिफिकल्टी होगी। तो हाई, वेरी हाई प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे भी। नॉन वेज में भी आप व्हाइट मीट खाइए, फिश खाइए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स और वेजिटेरियन प्रोटीन्स, जैसे मूंग, मसूर है, तूर दाल है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए आपने, नट्स है, सिंगदाने हैं, ये सब इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स है, ये खाना चाहिए। नहीं खाना है उसमें आएगा जंक फूड है, मैदा है, रिफाइंड फ्लोर्स है, वो सब आपको अवॉइड करना है, बहुत सारा चीज है, पैकेज फूड्स है, रेडी टू ईट थिंग्स है, वो आपको अवॉइड करना है डेफिनेटली। एक समस्या बहुत बार देखी गई है लेडीज को और बहुत परेशान होते हैं कई बार, कि जो मिल्क है फीडिंग के लिए वो अच्छा आना चाहिए, सो बच्चा जो है उसका पेट भर जाए। तो ऐसा कौन सा आहार लेना चाहिए उस समय, क्या न्यूट्रिशंस खाना चाहिए जिससे कि हेल्दी मिल्क हो और बच्चे को जो है सफिशियंट मिल्क प्रोवाइड कर सके एक मदर? देखिए, सिंपल है, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स तो अपना है ही है, विच हेल्प्स इन गुड मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा है नाचनी, अगेन इट इज वेरी हाई इन कैल्शियम आयरन, तो दैट इज ऑल्सो वन वेरी गुड सोर्स। सेकेंड इज शतावरी, अपना आयुर्वेदा में शतावरी पीने से भी मिल्क प्रोडक्शन काफी बढ़ता है। और दूसरे आते हैं सीड्स, आते हैं असाड़ियों करके, दैट इज वेरी गुड। अगर पोस्ट डिलीवरी वो खाते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कई जगहों पे है ना वो लड्डू वगैरह खिलाते हैं, गुड़ गोंद के लड्डू,
और वो बहुत ड्राई फ्रूट्स एंड घी के लड्डू, तो वो भी क्या मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही होता है कि वो शारीरिक स्ट्रेंथ के लिए होता है? सी दोनों के लिए होता है, बिकॉज वो लड्डू में अपने को डेफिनेटली प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स काफी एसेंशियल अवेलेबल होता है, जो बच्चे के लिए भी अच्छा होता है. और जो गोंद का लड्डू होता है वो डेफिनेटली बैक प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा रहता है. तो पोस्ट डिलीवरी डिलीवरी में अपना बैक बहुत एक्सर्टेड रहता है, तो आगे जाके बैक पेन नहीं हो उसके लिए वो खाना चाहिए. पर ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज को कभी कभी हाई बीपी या डायबिटीज या हाई थायराइड ये सब डेवलप हो जाता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे मैनेज करें? इन केसेस में डेफिनेटली जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर या जेस्टेशनल डायबिटीज होता है या जेस्टेशनल थायराइड फंक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मोस्टली पोस्ट डिलीवरी नॉर्मलाइज हो जाता है, लेकिन उनको आगे जाके होने के चांसेस होते हैं. बहुत सारे लोगों में ये कंटिन्यू हो सकता है कि इट इज अ दैट कंडीशन इज सेट इन, तो पोस्ट डिलीवरी भी कंटिन्यूशन में रहता है. तो अगर डायबिटीज है तो अगेन शुगर कंटेंट यू हैव टू कंटेन, और स्टार्च कार्ब्स आपको थोड़ा कम करना है, लेकिन अगेन वो भी ध्यान रखना है कि बच्चे को इनफ न्यूट्रिशन मिले. तो मेरा इन केसेस में एडवाइस है कि आप डेफिनेटली डाइट के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे के न्यूट्रिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, एंड यू विल मेक श्योर दैट योर हेल्थ इज ऑल्सो गुड एंड चाइल्ड हेल्थ इज ऑल्सो गुड. क्योंकि डाइट हर इंसान के लिए अलग होगा, जैसे अगर शुगर लेवल्स आपका कितना हाई जाता है और आपको उसके साथ और कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो सब कंडीशन ध्यान में रख के न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइट प्लान करके दे सकते हैं. यू डेफिनेटली हैव टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट एट दैट टाइम. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इतनी इजी चीजें बताई हैं खाने के लिए जो इजीली अवेलेबल है। आई होप जो भी लेडीज इस समय इस पीरियड में है, पोस्ट डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में है, तो उनको ये बहुत हेल्पफुल होगा। हम इसी तरीके से फिर से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, किसी नए व्यक्ति को आपसे मिलवाएंगे और कुछ नया शेयर करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।